मैं तो यह हैरान हाँ भी 306 के परचे बावजूद प्यो नू मां नू भरा नू भैन नू क्यों नहीं अरैसट किया गया। 3 महीने 1 दिन वाले दिन वो अपने स्पाउस नू कुड़ी होवे जां मुंडा होवे उस स्पाउस नू बुला सकता है। देखो जे सरकार चाहे तो हफ्ता बहुत है, नीत होवे इन्हां दी डिपोर्ट कराउण दी। दिल्ली ने कैनेडा नू लिखना तो कैनेडा पुलिस ने उत्थों घरों जाके चख लियानी है तो हथकड़ियां ला के इंडिया भेज देनी है विद पुलिस। वो तो ईवन स्टूडेंट सी तां भी सज सकती सी, मैनेजर बनना या जूनियर बनना या कुछ भी बनना वो जरूरी नहीं है। इहो जे मसलियां च पहला परचा दर्ज करो, बंदा चुक के अंदर दिओ, इन्वेस्टिगेशन बाद चो करो। होर पुलिस मतलब किहड़ा छणकणा लभदी पई है, रेड जोन रेड कार्ड इंटरपोल सवा पता होएगा उन्होंने। चंगा जी सोहना मुंडा किसी का मां का पुत मारता चने, जे तुम पैसे इकट्ठे करने तो कोठे ते जाके बह जाओ। अज भी यही कर दे कनेडा के ना तो होर की करते पे ने माँ प्यो। तुहानू यूजर नेम पासवर्ड दिंदी है कि तुसी अपना स्टेटस वेखते रहो कि तुहाडी 0 तो लैके 10 तक फाइल पहुँचनी सी, 1 ते है 2 ते है 3 ते है 4 ते है, तो जिन्हें अपलाई नहीं की स्टेटस की दवे। तो जो आप बेवकूफियां करते हैं जान के कि साडा ये मुंडा आ ना सके या साडा स्पाउस आ ना सके उदों ये पाप होंदे ने। तुसी कहंदे हो कानून सेंटर गवर्नमेंट ने बनाना है, ये गल गलत है। कानून पंजाब सरकार भी बना सकती है। सारिया अखबारों च इन्ने बैन लई कुड़ी या मुंडे लई वरदी या वधू की लोड़ है, उहदे ते सब तो पहला बैन लाओ। जिहड़ा हले भी ऐड दिंदा है उहदे ते परचा करो। क्यों बख्शना है, साढ़े मुंडे मरते पे ने तो ये लोग उत्थे कनेडा जाके मतलब ठंडिया वावा खा लैन, किदां खान देंगे। मेरे मुताबिक नवे लॉ की लोड़ नहीं है, लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उहदे ते रोक ते उहदे ते विजिलेंट होने की लोड़ है। क्लाइंट नूं फोन करो ना, मतलब जिहदे खिलाफ दरखास्त है उहदा फोन बंद हुंदे आ, सर मैं प्रधान बोलदा जी, मैं चेयरमैन बोलदा जी, मैं सरपंच बोलदा जी, ये भी विकाऊ होए पे ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, तो मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। अज बरनाला दे नेड़ले पिंड धनौला दे विच इस वेले मौजूद हाँ लवप्रीत ते बेअंत कौर दा जिहड़ा मामला है उहनू लैके अज मनीषा गुलाटी जी इत्थे पहुंचे सी, ते नाल हाईकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट दे जिहड़े वकील ने सुनील मल्लन जी उह वी पहुंचे होए ने, उहनां दे नाल गल्लबात वी करांगे ते इस पूरे मसले बारे जानण दी कोशिश वी करांगे, जिथे कुड़ी अपनियां दलीलां दे रही है, मुंडे वाले अपनियां दलीलां दे रही आ, उहनां नूं समझण दी अज कोशिश करांगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो पहला तां ये जानना चाहवांगे तुसी लवप्रीत ते बेअंत दा पूरा मसला जिहड़ा हो सुनिया होएगा, सारे जिहड़े सबूत ने, वीडियो कॉल्स ने, रिकॉर्डिंग्स ने, जिहड़ी कॉल डिटेल्स ने, वह सारियां भी देखियां होणगियां, समझ की आउंदा तुहानूं इस पूरे मामले? देखो बड़ा क्लीयर कट शब्द है, लड़की नूं गया 1 साल तो ज़्यादा हो गया, आपां 1 साल मान लीए। कनेडा का लॉ है कि जे लड़की गई नूं 3 महीने होए ने उहदा पहला सोशल कार्ड बन जांदा, 3 महीने 1 दिन वाले दिन वह अपने स्पाउस नूं कुड़ी होवे जां मुंडा होवे उस स्पाउस नूं बुला सकता है। तो लड़की ने लगभग पिछले 3 सालों जिन्हों बुलाने की कोशिश ही नहीं की थी। पैसे सारे इधरों लवप्रीत के परिवार ने भेजे ने, उहदे प्रूफ अवेलेबल ने, चैट अवेलेबल है। वह कहिंदा भी तू मेरे नाल गल कर, वह कहिंदी भी मैं कम ते आ, कहिंदा भी सवेर के 5 बजे ने तू उधर दे, वह इस वेले किहड़े कम ते आ, झूठो झूठ। सो ऐसा एक सनैरियो क्रिएट किया गया जिहदे च नीयत खराब उस लड़की की और उहदे परिवार की, इन्ह का परिवार आपस च रिश्तेदारी च है, नेड़े तेड़े आपस च जानते हैं एक दूजे को, उस दूजे परिवार के बारे चंगी तरह जानते हैं, और उस परिवार के प्यो ने, उस लड़की के प्यो ने बराबर का कसूरवार लगता है मैनू, वो माँ बराबर की कसूरवार है, जो छोटा भाई है जिहड़ा इन्हां नू अपनी कुड़ी नू बचाने के चक्कर च झूठ बोल रहा है, पर प्रूफ सामने दिखते पेने कि उन्हें लवप्रीत नू इग्नोर कर रही है पूरी तरह। और लड़की मैं होर इमोशनल होया, माई कैनेडा क्वीन लिखिया मुंडे ने अपने चैट के उत्ते कि उन्हें दिलों प्यार कर रहे हैं, दिलों उन्हें चाह रहा, जे तेनों इन्ना ही माड़ा लगता सी तू विआह ही ना करती, मुंडा बड़ा सोहना तो जे माड़ा सी तो विआह ना करती, पैसे खातर विआह किया, हुण आपां मुकर रहे हैं। इस वेले जे गल करिए तो हर पासे गल यही हो रही है भी बेअंत नूं डिपोर्ट किया जाए, कुड़ी नूं कैनेडा तो डिपोर्ट किया जाए, की प्रोसैस है डिपोर्ट करन दा, जे इधरों की मंग उठती भी है भी डिपोर्ट किया जाए, की प्रोसैस है, किन्ने दिन दे विच डिपोर्ट? देखो जे सरकार चाहे तो हफ्ता बहुत है, नीत होवे इन्हां दी डिपोर्ट कराउण दी,
डिपोर्ट कराने लिए कोई औखा काम नहीं है। इधरों LOC कट्टी जानी है, रेड कॉर्नर जारी होना है, इंटरपोल में इंटीमेशन करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने सरकार पंजाब पुलिस ने अपनी पंजाब की मिनिस्ट्री ऑफ होम लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने दिल्ली लिखना है, तो दिल्ली ने कैनेडा लिखना है, तो कैनेडा पुलिस ने उतों घरों जाके चख लियानी है, तो हथकड़ियाँ ला के इंडिया भेज देनी है विद पुलिस विद एसकॉट। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर या जेड़े भी एयरपोर्ट पर हुई उत्थे उन्हें अरैसट करके सीधा थाने लैके आना, सीधा जेल च लैके आना, ना कि उन्होंने घर जान देना समान समेत। जे पुलिस चाहे तो एक हफ्ते तो वादा प्रोसैस नहीं है। बहुत लंबा समा हो गया, हाले तक तो FIR भी नहीं हो पाई। देखो जी बड़ी शर्म की गल है, 306 जी है दैट इज़ अबैटमेंट टू सुसाइड, वो इको इनग्रीडियंट प्रूव करना होंगे कि किसी बंदे ने दूजे जरा मरिया उन्होंने उकसाया, उन्होंने इन्ना क तंग करता कि वह अपने हालातों को संभाल नहीं सकया और उन्हें अपनी जान दे दी। और जदों और ये सीकुएंस है, फिर वो चैट कर रहा वो गल कर कोशिश कर रहा, वो माँ प्यो कंटैक्ट किया जा रहा और वो बंदे पैर धरावा ही नहीं दे रहे। और जोड़ा कि लॉ कहता कि 3 महीनों चो कुड़ी कुड़ी जी मुंडे सद सकती सी, वो तो ईवन स्टूडेंट सी तां भी सद सकती सी, मैनेजर बनना या जूनियर बनना या कुछ भी बनना वो जरूरी नहीं है जी। कुड़ी ने यह गल कही है अपने एक इंटरव्यू के भी, मैं लॉयर के नाल जो गल की तो वे लॉयर ने मैं यह गल कही है भी थोड़ी जी जॉब है या मैनेजर की होनी चाहिए या सुपरवाइजर की होनी चाहिए है, तो ही तुम मुंडे बुला सकते हो, ना तो थोड़ा फाइल जी वो रिजेक्ट हो जाओ। मैडम जी बड़ी सिंपल जी गल है, लड़की स्टूडेंट वीज़ा पर हो, मैं सारे दर्शकों को दसना चाहना भी कुड़ी कली स्टूडेंट वीज़ा पर भी होने घर वाले या मुंडा स्टूडेंट वीज़ा पर होने स्पाउस न पति या पत्नी विद इन 3 मंथ्स, पहले 3 महीने सोशल कार्ड इशू होने लगते हैं, इंश्योरेंस लगते हैं, 3 महीना एक दिन जिदन हो जाए उदन वो अपने घर वाले या घर वाले बुलाया जा सकता है इरिस्पैक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस, वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही, वो स्टूडेंट है या की है, वो 3 महीनों बाद बुला सकती है। तो बहाना है, ये झूठ है, बेईमानी है, किसी लॉयर ने कोई गलत लॉ की किताब पढ़ लो, CIC.GC.CA क्लीयर लिखा है 3 मंथ टाइम आस्ट्रेलिया होंगे न्यूजीलैंड होंगे 6 महीने का टाइम है, वो लड़की झूठ बोल रही है 100% वह परिवार झूठ बोल रहा, लॉ परमिट नहीं करता, लॉ कहता 3 महीने बाद अपने स्पाउस को बुलाओ। क्यों कहता, क्योंकि लड़की स्टूडेंट वीजे पर जे हैगी है उन्होंने 20 घंटे हफ्ते का काम करना अलाउड है, जो हसबेंड जाएगा तो उन्होंने फुल डे काम करना अलाउड है, वो जो भी क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन मुताबिक वो पैसे कमाएंगे उत्थे खर्चेंगे और अपना सोशल स्टेटस अपग्रेड करेंगे। सो यह झूठ सी, ये फरेब है जिहड़ा लड़की वाले पैंतरा वरते पे ने। बहुत सारे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं भी मुंडा जिहड़ा है वो चिट्टे खांदा सी या उहदे वास्ते पैसे कुड़ी तो मंगदा सीगा, जबकि उन्होंने कहा कुड़ी दे जिहड़े कुड़ी दे फैमिली मैंबर ने जिहड़े मम्मी पापा ने वो इंटरव्यू च कहिंदे ने भी विक्की नाम के मुंडे के अकाउंट के मुंडा पैसे मंगवाउंदा सी, ते कुड़ी जदों इंटरव्यू दिंदी है ते कुड़ी कह दिंदी है भी नहीं विक्की ने मेरे विक्की तो पैसे लिते हुए सी ते विक्की दे मैं पैसे वापस करने सीगे, वो पैसे वापस किए सी, मतलब आपस दे विच गल्लां उलझा रहे ने, लगता है भी इसे करके सारियां चीज़ों। मैडम जी जदों मेरी नीत माड़ी है, जदों उस लड़की की ही नीत माड़ी हो गई, वो तो 3600 बहाने बनाए कि चोर ने कभी क्या मैं चोरी की है, वह तो पटा ही बोलता है जोड़ा राम प्यारी लाल करता है, तो जो पटा वरद फिर अकल आती है। मैं तो यह हैरान हाँ भी 306 के परचे के बावजूद प्यो माँ भरा भैन क्यों नहीं अरैसट किया गया, कॉगनीजेबल हीनियस क्राइम चाहता है किसी का मर्डर करना, और मर्डर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ललिता कुमारी वर्सिज स्टेट ऑफ UP और हज़ारा गाइडलाइनस ने भी यहोजे मसलों पहला परचा दर्ज करो, बंदा चुक के अंदर दो, इन्वेस्टिगेशन बाद चो करो। पुलिस तो हाले भी यही कही जाती कि पहले गवाइया अजी गवाइया कितना होनगिया, ईवन मुंडे का जो सुसाइड नोट वो कहती कुड़ी कहती मैंने भेजे, तो कुड़ी कहती मैं वो माँ प्यो सुसाइड भेजे, इस तो वड्डा एविडेंस की चाहिए कि मुंडा इन्ना दुखी सी कि कुड़ी सुसाइड नोट भेज रहा माँ प्यो नहीं दे रहा, और वह सुसाइड नोट लड़की आप ये माँ प्यो भेज रही लवप्रीत दे, तो कनैक्शन तो बन गया, अबैटमेंट तो बन गई, होर पुलिस मतलब किहड़ा छणकणा लभदी पई है, मैनूं इह समझाओ। बिल्कुल जी, इस वेले गल करिए तो यह भी गल उठ रही थी भी कुड़ी ने अपने वर्क परमिट के उत्ते सिंगल लिखा होया सी, कई लोग यह भी गल कर रहे हैं भी वर्क परमिट के उत्ते तो लिखा ही नहीं जाता भी सिंगल है नहीं है, मैरिटल स्टेटस नहीं मंगया जाता, एप्लीकेशन दे विच मंगया जाता है वर्क एप्लीकेशन दे विच, या फिर मैं दसदा जिहड़ा मैरिटल स्टेटस है सब तो पहला तो वह पासपोर्ट से एंट्री हुंदी है। मैं अपने सारे भैन भरावां नूं दसना चाहना भी जो भी विआह कराओ विआह तो बाद विआह नूं रजिस्टर कराओ और लड़की दे पासपोर्ट ते अपना नाँ ते अपने पासपोर्ट ते लड़की दा नाँ चढ़ाओ, तुहाडे कोल प्रॉपर प्रूफ बनेगा। दूसरी गल उहदे ते ओह बैचलर है कि उहदे ते ओह व्याही सी पहला या डिवोर्सी है, वह बिल्कुल सच लिखो, कई वेले मुंडे भी डिवोर्स होया हुंदा ते
लालच करके ना लिखो कि फाइल रिजैक्ट हो जाएगी। तलाक कानूनी होया होना चाहिए, पंचायती तलाक नहीं मनिया जाता, तो तलाक वो लिखवाओ अपना डिवोर्स होया। और जितों तक रही स्टेटस की गल, पासपोर्ट ते जिहड़ी पी आर एप्लीकेशन है उहदे ते बैचलर या मैरिड या डिवोर्स या विडो या सिंगल, सिंगल कई कारणों तो सिंगल मदर भी बनती है, उस करके लिखा जा सकता है। जॉब के उत्ते जिहड़ी उहनूं जॉब मिली है उहदे ते कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि वह मैरिड है कि अनमैरिड है। हाँ, लड़की दे अगे जे कोई बच्चा होवे, डिपेंडेंट होवे, उस वेले उस बच्चे का जिक्र किया जाता है। फॉरेन कंट्री प्यो का नाँ घट पुछया जाता, माँ का नाँ ज़्यादा पुछया जाता, क्योंकि फॉरेन कंट्री ये मानते हैं कि माँ तो कन्फर्म यही है, प्यो पता नहीं कहड़ा, क्योंकि कल्चर उन्हों का बहुत ही अंग्रेजों वाला है ना, साढ़े तो सूँ पता कि साड़ी आ माँ दे आ प्यो है, इस करके वो लोग माँ को ज़्यादा वो तवज्जो देंगे ने। इस केस बच्चा ही कोई पैदा नहीं होया तो फिर वो सोशल स्टेटस सिर्फ वो पी आर की फाइल तक, वो पासपोर्ट तक, वो पीसीसी तक। और मैं इतने फिर दर्शकों को दसना चाहना कि जे ताड़ी स्पाउस या ताड़ा स्पाउस फॉरन च है और उन्हें अपनी सिंगल की पी सी सी भेजी है, वो तो परचा हों 400 भी 400 67 78 71 120 का, वो प्यो से भी हों जे, वो माँ से भी हों जे, एक गल याद रखो। और उन्होंने वो परचे की एप्लीकेशन वक्री दो, 4 लाइन की एप्लीकेशन कि आ लड़की ने अपनी पी सी सी अपलाई की सी। और अगली गल होर दसा बड़ी इंपोर्टेंट गल, असी साढ़े भैन भरा इतने इंडिया की गलती करते हैं, मान लो विआह तो बाद कुड़ी का पिंड बन गया धनौला बरनाले च पै गया, लड़की का पेका पिंड मान लो संगरूर च है, वो की होएगा कि संगरूर के थाने च उहदी एंट्री नहीं होएगी, इन्हां ने अपने थाने नूं एप्लीकेशन दित्ती होएगी तो परचा दर्ज होएगा बरनाले के धनौले नूं जिहड़ा थाना पैंदा है, लड़की का जिहड़ा थाना उहदे विच उहदी क्लीन चिट होएगी। तो लड़की के पेकियां नूं जिहड़ा थाना पैंदा है उत्थे उहदी शिकायत जरूर दर्ज कराओ। परचा होण तों बाद एक एप्लीकेशन लिखो पुलिस नूं कि आ फलानी कुड़ी मेरे नाल विआह होया सी, आ पासपोर्ट नंबर है, प्यो का नाँ है, माँ का नाँ, पिंड का एड्रैस, ये खिलाफ़ है परचा दर्ज हो चुका है। रजिस्टर नंबर 9 है पंजाब पुलिस कोल, जिदे विच दोषियों की ते जिहड़े क्रिमिनल्स ने उन्हां दी एंट्री की जाती है, जदों भी पासपोर्ट की इनकुआरी आती है 9 नंबर रजिस्टर जरूर फोलिया जाता है, तो उत्थे लिखा जाए भी क्राइम रजिस्टर विच इस दोषी की एंट्री की जाए, उहदे परिवार की उत्थे एंट्री कराओ। पासपोर्ट महकमे नूं सैक्शन 10 च एप्लीकेशन भेजो कि तुसी इस लड़की का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करो। और जो पासपोर्ट दफ्तर कुछ नहीं कर रहा, महकमा कुछ नहीं कर रहा, तो अदालत एप्लीकेशन लग सकती है, प्लस वो एफ आई आर की ट्रांसलेशन अटैस्ट करा के जिहड़ा जिहड़ा महकमा भी वो संबंधित है, यानी कि इंडिया में फॉरन की जिहड़ी एम्बैसी है, मान लो कैनेडा का केस है तो कैनेडा की एम्बैसी, कौंसलेट जनरल जिहड़ा शांति पाते है, जिहड़े शहर चो रही है उत्थे बाहर टोरोंटो रही है या मान लो वैनकूवर रही है, जिहड़े भी शहर चो रह रही है जिहदा भी पता तुहानू, नहीं तो दोनों एम्बैसियां उत्थे इंटीमेशन भेजो, इंडिया की होम मिनिस्ट्री भेजो, फॉरन के जिहड़े पी आर इशू करने वाले महकमे है, इमीग्रेसन वाले महकमे है, उत्थे तुसी अपनी कार्रवाई करो। पुलिस निकम्मी, उन्होंने पता ही नहीं करना की है, उन्होंने सच्ची मुची कुछ नहीं करना, तुसी एफर्ट करो, आप कर लो, अपने किसी वकील के थ्रू कर लो। और भेजन लग्या बड़े ध्यान रखो कि आप सही सूचना सही जगह पर सही समय भेजिए। पी आर जो कोई अप्लाई करता है, यह भी मैं अपने दर्शकों को दसना चाहना, जो कोई बंदा पी आर अप्लाई करता है 60 दिन का समा हों अपनी फाइल में क्लीयर करके अपने पी आर के डिपार्टमेंट तक पहुँचाने का, जे 60 दिन वो फाइल ना पहुँचे पी सी सी हो के और बाकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो के, वो फाइल पेंडिंग हो जाती है। सो कोशिश करो कि वो इनकुआरी इंडिया रोको, 60 दिन तो वो टाइम वेस्ट हो और खिलाफ़ जिहड़ियां कंप्लेंटां वो दिओ ता कि उत्थे इनकुआरी पॉजिटिव ना जाए और इतने परचा भी दर्ज कराओ भी उन्हें झूठी दरखास्त भेजी है। सारे यह लोग ने जिन्होंने ये सारिया चीज़ा जिम्मे छोटिया छोटिया चीज़ा की करना है कि नहीं करना, ये चीज़ें नहीं पता, पर बाद जाके बहुत उन्होंने दिक्कत होंगी है। कई बार उन्होंने लॉयर जो होंगे ने समझाते, कंसल्टेंट होंगे ने जो नहीं उन्होंने सही तरीके समझाते, जो प्रशासन की जो गल कर ली जिम्मे गल कर रहे प्रशासन को बहुत सारिया चीज़ें नहीं पता, से कितने ना कि यह चीज़ों के भी एरर तो आँगी। मैडम मैं गरंटी कहना 100 पंजाब पुलिस वाला इकट्ठा कर लो और उन्होंने NRI डिपार्टमेंट को इकट्ठा करो तो उन्होंने कहो भी अंग्रेजी चलो सी तुम कट दो यदि फुल फॉर्म दस दे, 90 दिन ही दस पाउंगे मैं इतने बैठे कह दिना, रैड जोन रैड कार्ड इंटरपोल सवा पता होगा उन्होंने, उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, किसी भी थाने तो SHO फड़िया जाता बेचारे उत्थे लाता जाता, वह भी कसूर नहीं, उन्होंने ट्रेनिंग दो, तुम पुलिस भर्ती कर लग्या तो 50 तरह की ट्रेनिंग कराते हो तो उस तो बाद काम लैन भी तो ट्रेनिंग दो, उन्हों का भी कसूर नहीं है। जो उन्होंने प्रोसीजर समझाओगे फिर उस तो वड्डी गलती की होंदी है, 90% थां ते
ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਲਓ ਤੇ ਜਾਨ ਚੜਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਭਾਲੋ ਤੇ 25ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਕੁੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦੇਣਾ। ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ ਛੱਡਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਔਰ ਰੂਹ ਤੜਫਾਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਦਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੌਕਾ ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਜਾਓ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਲਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਨ 'ਚ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਚੈਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਚੈਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੋਲ ਮੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਚੌਥਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਲੀ ਕੀ ਡੋਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਕਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨਾ 1 ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਾਈਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਦੇਖ ਬਈ ਲਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਆਹ ਲੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸ SMS ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਅ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
बिल्कुल टाइमली तुहानू सुनेहा दिंदी है और तुहाडे पोर्टल नू हैंडल करन लई तुहानू यूजर नेम पासवर्ड दिंदी है कि तुसीं अपना स्टेटस वेखदे रहो कि तुहाडी 0 तो लैके 10 तक फाइल पहुँचनी सी, 1 ते है, 2 ते है, 3 ते है, 4 ते है, तो जिन्हें अपलाई नहीं की स्टेटस की दवे। रिजैक्शन की गल करिए तो बहुत सारे यहोजे केसिस भी सामने आते हैं जिथे वाइफ फाइल तो लगाती है पर रिजैक्शन देखने को मिलती ने, रिजैक्शन आ जाती है चाहे किसी भी कारण करके आँदी हो, कारण हो सकते हैं इन्होंने रिजैक्शन। मैडम जो लड़की की एंट्री जेन्युइन, लड़के दे चाहे प्लस टू पढ़िया चाहे दसवीं पढ़िया चाहे अठवीं पढ़िया, वो जेन्युइन प्रॉपर्टी और फाइनैंशियल जेन्युइन, कोई रिजैक्शन नहीं आती। मैं हसबैंड हाँ, मेरी वाइफ नू ले जाना मेरा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं हूँ कनेडा गवर्नमेंट नू थोड़ी कहाँगा मैनू मेरी जनानी दो, नवी जनानी थोड़ी देंगे, मेरी उन्हें ही लैके जाएंगे। वो लूली है, वो लंगड़ी है, वो काणी है, बाकी है, कैंसर पेशेंट है, मेरी वाइफ है, मेरा राइट है उन्हें लैके जाना, मेरे अंदर दम होना चाहिए कि मैं उन्हें खड़ना, मेरी नीत होनी चाहिए है। जो नीत खराब है फाइल लाने वाले की, रिजैक्शन 50 ले लो। ईवन मेरा नाम सुनील है, SUNIL इंग्लिश, मैं स्पैलिंग भर देना SUNEEL, कनेडा का मेरा वीज़ा रिजैक्ट होएगा क्योंकि वो इन्हों दो बंदे मानते हैं। सो जो आप यहोजियां बेवकूफियां करते हैं जान के कि साडा मुंडा आ ना सके या साडा स्पाउस आ ना सके, उदो ये पाप होंगे ने। अज तुसी देखिया होना कि बहुत सारे यहोजे लोग सीगे जिहड़े इत्थे पहुंचे सीगे जिन्हां दे केसिस भी कुछ इदां दे ही सीगे, चाहे कोई घरवाली उत्थे होवे, चाहे कोई घरवाला किसी दा उत्थे होवे, इत्थों दी पैसे ला के भेज दिता गया पर उत्थे जाके मुड़ के कोई गल नहीं बनी, उत्थे जाके कुड़ी फोन चकना बंद कर जांदी है, उत्थे जाके कोई किसी ने नंबर चेंज अपना कर लिया, कोई कहिंदी है वी तू मेरी फीस नहीं भरी हैगी इस करके मैं तेरे नाल गल नहीं करनी हैगी, इत्थे अपनी एक एक डेढ़ डेढ़ साल दे बच्चे इत्थे छड्ड के कुड़ियां उधर चली गईयां ने ते उधर जाके विआह करा लैने, इन्हां केसां नूं ठल किवें पै सकदी? मैडम चोर ने चोरी करी जानी है पर ठल कितना पैसे दी? अज मैं मनीषा मैडम नूं इक्को गल कही, मैं कहा मैडम सब तो पहला तुसी कहंदे हो कानून सेंटर गवर्नमेंट ने बनाना है, ये गल गलत है, कानून पंजाब सरकार भी बना सकती है, पंजाब भी एक पूरा सूबा है, उहदी अपनी एक सरकार है, वह सवेरे मता पास करके बिल बना सकती है तो सवेरे एक्ट बन सकता है, मैं कहना उहदी भी लोड़ नहीं, एक्ट ऑलरेडी बनया पिया। सब तो पहला मैं मैडम नूं रिक्वेस्ट की कि तुहाडी पावर च है, एक चिट्ठी लिखो सारिया अखबारों च इन्ने बैन लई कुड़ी या मुंडे लई वरदी या वधू की लोड़ है, उहदे ते सब तो पहला बैन लाओ, जिहड़ा हले भी ऐड दिंदा है उहदे ते परचा करो, ये भी विआह हो रहा कि सौदा हो रहा। बहुत सारी इहोजियां मैं कहा भरिया पिया अखबार बिल्कुल हुणे कढ दे नाल लो पढ़ो, जिन्ने मर्जी अखबार लवो मेरे कोलो इश्तिहार, क्योंकि जिहड़े ने इदां दे लगदे ने भी 6 बैंड आए हुए ने ते सानूं पैसा लाने वास्ते। आ देखो अखबार इहदे विच आया, मैं पढ़ के सुणाउणा पहला वीर नूं, जरा इहदी फोटो खिंच लैण दो, खिंची गई जी, तो उहदे विच लिखिआ है कि इन्ने बैंड लई एक नहीं, मैं तुहानूं 20 दीआं 20 ऐडां पढ़ के सुणा दिंदा भी लई बैंड लई कुड़ी लई वर दी लोड़ है। जट सिख सिद्धू 20 साल 5 फुट 3 इंच आइल्स 5.5 बैंड न्यूजीलैंड अपलाई लड़की लई खर्च करन वाला लड़का चाहिदा है, फोन नंबर दिता है, और इस लड़की का भी केस सुनाना, ये लड़की का वीज़ा पहला लग गया नवंबर च, और जो वेख्या कि मेरे को पैसे नहीं 15 दिसंबर नूं ऐड करते ने, इत्थे लिखी होनी है 20 दिसंबर नूं, 20 दिसंबर 2015 नूं ऐड करते ने कि हाँ जी 20 दिसंबर 2015 ऐड कर दो, फिर असी जदों दसंबर च फिर उस तो बाद जनवरी चली जाती है कुआरी दस के जाती है, किसी तरीके चलो मुंडे वाले जोर पाते हैं, एक कुआरी तो बाद इंडिया फिर वापस आती है, मुंडे ने आप उस मुंडे ने दोबारा विआह कराती है, दोबारा वो कागज़ बनाती है, फिर जोड़ती है, तो फिर वापस चल जाती है, तो उत्थे जाके जो भी घपले करती है, थाने आके कहती कि मेरे को मैं तो अपने पैसे लाए ने, पर नोट वेख लो, आ फलाना वेख लो, ठिकाणा वेख लो। मैं दो सवाल पूछे पंजाब पुलिस के मुलाजम, मैं कहा वीर जी आप एक काम करिए, जे ये को पैसे से तो नवंबर च पैसे ला के क्यों नहीं गई, फिर इन्हें जनवरी का इंतजार क्यों किया, इन्हें अपनी पढ़ाई में नवंबर तो जनवरी क्यों शिफ्ट कराया। दूजी गल मेरी इन्हें अखबार चैड दी 20 दिसंबर न, 20 दिसंबर तो पहला इन्हों को भी कोई अपने बैंक खाता विखा दे, तेरे पैसे विखा दे, 20 दिसंबर तो पहला तेरे खाते कोई पैसा है, तेरे प्यो दे, तेरी माँ दे, भूआ पुप्पड़ चाची ताई सारा खानदान फरोल दे, ते 20 तरीक तो बाद 21 तरीक नूं मैं अपने क्लाइंट दे खाते चो पैसे निकले ते इहदे खाते च जमा, दोनों चीज़ां विखा दिंदा। सो कहण दा भाव यह कि थोड़ी जी तुहानूं जोर लाउणा पैंदा, समझाउणा पैंदा, पहलां केस नूं आप समझो फिर अगे समझो, मैं तो पहलां चाहांगा भी इहो जिहे रिश्ते करो ही ना, पर जे कर लो अपने किसी मन नाल लालच नाल, तो पैसा खाते तो खाता ट्रांसफर करो,
और जिहड़ा तुसीं कॉन्ट्रैक्ट करदे हो इकरारनामा लिखदे हो धारा 30 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुताबक वो गलत है, जाली है, वैलिड नहीं मन्या जा सकता। पर फिर भी उहदे विच पए गवाह और बाकी बंदे, मतलब गवाह भी उहदे विच ठोक के पाओ ताकि जो परचा कराना होवे ते बराबर दा ठोक के परचा होवे ताकि उन्होंने भी अकल आवे। मैं एक विचोले ने कराया सी जी इहो जिहा इकरारनामा, तो विचोला अगों मैनूं बड़ा सोहना डायलॉग बोलदा, कहिंदा असीं विआह कराया सी, मुंडा जम्मन की गरंटी थोड़ी लई सी। तो मैं कहा सरदार जी ध्यान नाल अपना इकरारनामे दे सैन पढ़ लो, तुसीं मुंडा नहीं, मुंडे दा विआह कराने की भी गरंटी लिती है। मैं कहा तुसीं भी अंदर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होना है, चिंता ना करो। फिर उन्होंने मिर्च लगी, फिर दौड़े पिया, अज वो क्लाइंट मलेरकोटले कुड़ी वाला टब्बर आ रहा, उस लड़की ने भी मैं सिंगल दी पीसी सी, वह भी तुहानू कागज दिखाउणा, हुण उहदे ते परचा आउण लगा, आने पीसी सी कराई कैनेडा तो, उहदी पीसी सी आई, अपने आप नूं इहदे सिंगल लिखिया। उस तो बाद नैक्सट दिखाउणा, असी उस कुड़ी दे पेकियां वाले थाने ते पैरवाई रखी, इत्थे लिखाया PVO रिमार्क्स, जिन्हें यानी कि इंस्पैक्शन की है, एप्लीकेंट मैरिड बट मैनशन इन PP फ्रॉम सिंगल, PP फॉर्म च सिंगल लिखती है। फिर उस तो बाद उहदी नैगेटिव हुंदी इनकुआरी, उहदे फादर का नाम थले दिता जांदा, तो आपां उहदे ते 2 दिनों का मेरा मेहनत है फॉरन की, तो इंडिया की गौरमेंट तक असी सारी कंप्लेट पा चुके हैं और विद इन वीक ये असर होएगा। कमिश्नर पुलिस नू थ्रू वट्सअप, थ्रू ईमेल, मतलब कोई महकमा ही नहीं छड़िया जिथे असी मेल नहीं पाई, और लास्ट में लिखा कि जे इस लड़की ने अपनी पुलिस वेरीफिकेशन करवानी है तो मैट्रीमोनियल होम तो करावे, पेके वाले घर तो किदा करा सकती है, क्योंकि उन्हें लिखता तो यह फ्रॉड इन्हें किया, परचा किया जाए तो टब्बर समेत, ये टब्बर के नंबर नाल दिते ने, क्यों बख्शना है, साढ़े मुंडे मरते पे ने, तो ये लोग उत्थे कनेडा जाके मतलब ठंडियां हवावां खा लैन, किदा खान देंगे, इन्ना भी सौखा नहीं। और इहदी कार्रवाई लई प्रॉपर एजेंसियां बनियां जिन्हां नूं आपां देखो, आ देखो टोरोंटो की सारी डिटेल, फिर अगे आ जाओ ईमेल्स हर एजेंसी नूं, अगो पंजाब पुलिस, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, फाइल च नाल रखो, जिहड़े थाने भी आपां जाना है, रूरल च जाना है, उहदे च जाना है। सो कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही तरीके सही टाइम पर करो। तो और यदि NRI कमीशन भी कंप्लेंट चल गई, NRI कमीशन ने भी कॉग्निजेंस ले ली है, तो आप भी अगर कार्रवाई, मतलब यदि कार्रवाई में तरीके ना लड़ो। और मैं फिर कहांगा कि गलत राजीनामा करने नालों ना करो चंगे रहोगे, पहला आप गलत राजीनामा करते हैं फिर कहें वकील साहब इन ठीक करा दो, और जोड़े भी वकील साहब इंटरनेशनल मैटर में डील करते उन्होंने संपर्क जरूर करो, तो शहर भी बड़े हो गए पर इंटरनेशनल मैटर की समझ रखते हो, उधर के लॉ की समझ रखते हो, इंडिया के लॉ की समझ रखते हो। सो जिहड़ा मैडम अज कह के कि नवा लॉ बनावांगे, मेरे मुताबिक नवे लॉ की लोड़ नहीं है, लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उहदे ते रोक ते उहदे ते विजिलेंट होने की लोड़ है टाइमली। मैं ईवन पंजाब सरकार को यह भी सलाह दी सी कि एक ऐप बनाओ, जिन्हें भी फॉरन की कुड़ी नाल या मुंडे नाल विआह करना उस ऐप चों दी एंट्री चढ़े, और उस ऐप तो ईवन उन्हां दीआं प्रॉपर्टियां चढ़न, तां कि जदों कोई नवा अगों करवाउणा है तो गड़बड़ होवे ना। पर फिर भी जे साडे भैण भरा नहीं करवाउणा चाहुणगे तो आपे फसणगे, मतलब गैर कानूनी काम पब्लिक भी ना करे, कानून उत्थे ही है, नो डाउट पुलिस या होर महकमे जिहड़े बंदे दा वत्तर चलदा वह, मतलब क्लाइंट नूं फोन करो ना, मतलब जिहदे खिलाफ दरखास्त है उहदा फोन बंद हुंदा, सर मैं प्रधान बोलदा जी, मैं चेयरमैन बोलदा जी, मैं सरपंच बोलदा जी, ये भी विखाऊ होए पए ने, ये नहीं वेखते मर्यादा की है, काम की है, क्यों विच मामे बनते हो, क्राइम होया तुसीं विच फोन करके वकील नूं इनफ्लुएंस किवें कर सकते हो। मैं जे तुसीं, मैं तुहाडा क्लाइंट, तुसीं मेरे क्लाइंट हो, मैं तो तुहाडी सुननी है, तुहाडे नाल कानून च धक्का ना हो जाए, मैं तुहानूं प्रोटैक्ट नहीं करना, पर कानून दे विच जिहड़ी लॉ ने, जिहड़ी उहदे विच सैक्शनज ने, उहनां नूं नज़र च रख के तुहाडे नाल धक्का ना होवे, मैं तो उहदा राखा वां। परचा होणा नहीं होणा, कुड़ी ने डिपोर्ट होना नहीं होना, असी उहदे प्रोसीजर ते चलना, डिपोर्ट करने वाली एजेंसी अलग है, इमीग्रेशन वाली एजेंसी अलग है, असी तो अपनी रीप्रजेंटेशन टाइम पर भेजनी है तो उहदे विच काम लेना। जिवें कि गल इन्होंने दसी है कि
सूबा जिहड़ा है वह खुद भी कानून बना सकता है, जरूरी नहीं है कि जिहड़ा सेंटर ने ही कानून बना के देना है। तो पंजाब दे जे सरकार चाहे तो वह खुद भी कानून बना सकती है, पर कानून की लोड़ भी नहीं, सिर्फ पैरा देन की लोड़ है कानून ते, क्योंकि कानून जिहड़े ने वह बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं। पर जिहड़ी दूसरी पार्टी स्ट्रोंग हुंदी है, कोई पैसा दे दिंदा है, किसी कोई रिश्तेदारी निकल आउंदी है, कोई इहो जिहियां चीज़ां करके केस दबाउण की कोशिश की जाती है, तो यह सारिया चीज़ों नूं ठल पाउणी चाहिए है। पहला करप्शन जिहड़ी हुंदी है उहनूं ठल पाउणी चाहिए है। यह सारी चीज़ों जो ठल पाऊगी तो कानूनों के उत्ते भी पैरा दिता जाऊगा, कानून जिहड़े बने हुए ने उन्हां दी जिहड़ी मदद जिहड़े लोग ले सकणगे, क्योंकि कानूनों की आड़ दे विच इस वेले करप्शन जो चलती है, पैसा जो चलता है, रिश्तेदारियां जो चलदियां ने, अपने लिंक जो कढ़ के चलाउंदे ने, तो उदों कानून भी फेल हो जाता है। इस करके चाहे कानून इहदी जगह 100 कानून होर बना लैन, पर जदों तक सही तरीके दे नाल कानून नूं प्रशासन फॉलो नहीं करता उदों तक कानून बनाया दा भी कोई फायदा नहीं होना। मनीषा गुलाटी जी जरूर कह के गए ने भी असीं कानून बनावांगे, कानून जिहड़ा है उहदी राखी करना जरूरी है, कानून बनाउण नूं 100 कानून बन सकदे ने। कुछ कह रहे मैं एक गल कहना चाहना, मैं पंजाब सरकार नूं एक इनविटेशन दिना, जे कानून बनाउणा मैं बना के दे सकदा, मैं लॉ ग्रैजुएट हाँ, पोस्ट ग्रैजुएट हाँ और लॉ की प्रैक्टिस करदा। मैं पंजाब सरकार नूं कहना जे तुहानूं कानून की लोड़ है मैं मदद करन नूं तैयार हाँ, मैं बनाना तुहाडा एक्ट लागू करो और मैं ये वादा करदा जे उहनूं ईमानदारी नाल लागू करो। दूजा काम पंजाब पुलिस नूं प्रॉपर ट्रेनिंग दिओ किद्दां LOC कि अच्छा एक होर गल दसा सारे भैन भरावां नूं जिहड़े प्रोग्राम देख रहे हैं, जदों किसी खिलाफ़ PO की कार्रवाई शुरू हुंदी है तो PO की ऑर्डर निकल जाते हैं, उस वेले एक होर परचा, मान लो पहला परचा 420 होया है, PO होण दा परचा भी दर्ज हुंदा, जे तुसीं जदों PO दे ऑर्डर निकल जाण तुसीं उहदी कार्रवाई करके पंजाब पुलिस नूं पुछो या कोर्ट 'च एप्लीकेशन दिओ भी पंजाब पुलिस ने इहदे ते PO की कार्रवाई तो बाद PO की FIR कदों कट्टी है, और PO की कार्रवाई जदों हो जाए उस बंदे नूं जमानत छेती नहीं मिलती। तुसीं PO दे परचे की डिमांड करनी है पंजाब पुलिस कोलों जदों भी PO का परचा हो जाए। सो सारे प्रोसीजरां दे उत्ते एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जा सकता है और कार्रवाई जदों चंगी पद्धर ते होएगी। हुंदा की है कि पुलिस पहला मूँह जबानी फोन करती है दोषी पार्टी नूं, जी साडे घर भूआ बीमार हो गई है, साडे फुफड़ दे पैर नूं सट लग गई है, जनानी मेरी दे ढिड च पीड़ हुंदी पई आ, फलाना हो गया, टिकाणा हो गया, झूठ सच बोल के वो टाइम लै जांदे आ, 10-15 दिन का टाइम कढ़ाउंदे ने, फिर पुलिस नूं चेते आउंदा कि कोई परवाना ही भेज दिए, फिर परवाने लई बंदा जांदा ते परवाना ते लिखिया आ जांदा जी घर कोई नहीं मिलिया। यार पिंड दा घर होवे, घर कोई ना मिले, पिंडां दे घरां नूं ते दरवाजे ही नहीं, साडिआं नूं अहीं ते खुले छड्ड के जांदे आ कि पिछों कोई परौणा आ जाए ते आके कुर्सी डाह के बह जाए, ये झूठ बोलना आ के मुड़ के मुलाजमान का। फिर वह फिर 15-20 दिन लंघ जाते, उन्नी देर से जिन्हें शिकायत की होंगी कहिंदा मैं कितने फस गया। सो इफेक्टिविटी वध सकती है, और पंजाब पुलिस कई बार जी फॉरन च लड़की बैठी उहदा ईमेल ID WhatsApp नंबर हुंदा उहनूं परवाना WhatsApp ते नोट करा सकती, क्यों नहीं कराती सेम डे। और अगली गल, 3 परवाने देने हुंदे जी दोषी नूं, और 3 परवाने देने दे दौरान सैक्शन 91 की पावर है पंजाब पुलिस कोल कि जिहड़ा ही मर्जी एविडेंस जिहड़े मर्जी महकमे तो मंगा सकती है, सैक्शन 91 CRPC पढ़ लो, और उस तो बाद वो परचा दर्ज कर सकती है। जो कोई 3 आए वध तो वध लाल परवाना आखिरी जारी करना हुंदा कि जो लाल परवाने ते भी कोई ना आया भी आखिरी मौके वाला, उस तो बाद DSP साहब के हुक्म नाल परचा दर्ज इमीजिएट हो सकता, किसी होर चीज़ की लोड़ नहीं, और परचा दर्ज करके जो उसकी कार्रवाई है बन सकती है जी। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी यहोजियां चीज़ा जोड़े सुनील मल्लन जी ने दसियां ने, बहुत सारे यहोजे तरीके दसे ने, जिहड़ियां छोटिया छोटिया चीज़ा नहीं पता होंदिया, छोटिया छोटिया जिहड़ियां कार्रवाइया ने किस तरीके दे नाल करनिया ने, किहड़ा परचा करवाना है, कदों FIR करवानी है, किस तरीके दे नाल तुसीं सारी डिटेल कढ़ा सकते हो, वह सारिया चीज़ा छोटिया छोटिया सुनील मल्लन जी ने अपने शो दे विच दसियां ने। उम्मीद करते हैं कि यह सारिया चीज़ों सुन के तुसीं अपनी जिंदगी दे विच अमल भी करोगे। उन्होंने पहले ही कहा वैसे तो यहोजे रिश्ते जिहड़े नहीं करने चाहिए, पर जे यहोजे रिश्ते तुसीं करदे भी हो तो किहड़ियां चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किहड़ियां चीज़ां तुहानूं ध्यान च रख के काम करने चाहिए ने। यह सारिया चीज़ा उम्मीद करते हैं कि अगे तो यहो जे मामले नहीं सामने आउणगे इह सारिया चीज़ों का, क्योंकि जे ध्यान रखा जाएगा तो बनती कानूनी कार्रवाई जी हो सकेगी, इंसाफ जिहड़ा है वह हर एक नूं जरूर मिलेगा। तुसीं जुड़े रहो विजन पंजाब TV दे नाल, कैमरामैन डिंपी डोगरा दे नाल, मैं अनुकड़ा।